जैन साथी, बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा अंतिम चरण पर है और आप सब लगभग लगभग अपने सेंटर के करीब ही पहुंच चुके होंगे। अब परीक्षा देने जाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना, विषय का चुनाव कैसे करना, ओएमआर सीट कैसे भरना है और क्या तुक्का लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि जिन प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं पता है उन्हें छोड़ देना कितना हद तक सही है, क्योंकि आप जानते हैं पॉइंट में स्कोर बनते हैं और कट ऑफ जो होता है वो पॉइंट में ही जाता है। उसके साथ साथ सिलेबस को एक बार अंतिम रूप में जान जाना कि परीक्षा में कैसे किस पैटर्न को सबसे पहले हल करना है, क्योंकि अगर मैं 6 से लेकर 8 की बात करूं तो वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है SST और विज्ञान गणित को लेकर, सर मुझे किस तरह से चुनाव करना है, कैसे परीक्षा में सॉल्व करना है। कक्षा 9-10 की बात करो SST को लेकर भी उनमें बड़ा उठफाफों की स्थिति है, सर मुझे क्या करना चाहिए। ये वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात ये गुरु मंत्र है परीक्षा के किस पैटर्न को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। PIT वालों के लिए भी है, अगर TGT PGT 9-10 और 11-12 की तैयारी करें उन सभी के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप परीक्षा में बेहतर स्कोर करें सिलेक्शन में, तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए एक एक बिंदु को ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा और जहां जरूरत पड़े आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ये सेशन, ये सीरीज आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जहां तक आपको जो चीज डाउट लगे वो पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये है 6 से लेकर 8 तक SST का मामला क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 6 से लेकर 8 तक की बात करूं SST की और गणित विज्ञान की बात करूं, इसका जो पेपर का पैटर्न क्या होगा, इसका जो पेपर का पैटर्न होगा तो पहले सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 6 से लेकर 8 तक, इसका जो पेपर होगा 3 पैटर्न में होने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला जो होगा भाषा होगा 30 नंबर का, इसमें केवल पास करना है, भाषा के 30 प्रश्न होंगे, 30 नंबर का होगा और इसमें केवल आपको पास करना है, इसके अंक आपको नहीं जुड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। जब इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे तो आपको इस बात को लेकर कई पूरी तरह सतर्क रहना है कि इसको क्वालिफाई करना है, मतलब इस पे केवल आपको 9 अंक अर्जित करने, कितने अंक, 9 अंक लाना, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके जो अंक है वो 30% ही आपको लाना है, 30% इसका क्वालिफाई मार्क है। दूसरा सेशन जो है GS GK मैथ का, यहाँ पे बात करेंगे हम, दूसरा जो है GS GK मैथ और रीजनिंग का है। तो यहाँ पर GS GK मैथ रीजनिंग का सेशन है और इसमें ये 40 प्रश्नों का सीरीज होगा। इसमें कितने होंगे, ये 40 अंक होंगे, 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक के होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन भी आपको समझ में आ रहा होगा। ये 40 अंक सभी के लिए कॉमन है, मैंने ये जो दोनों अंक देख रहे हैं आप सभी के लिए कॉमन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SST के लिए, अगर इसकी मैं बात करूँ SST के लिए, SST में आपको यहाँ पर दो विषय का चयन करना है, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 80 अंक आएंगे, कितने अंक आएंगे, 80 अंक आएंगे, 80 अंक आएंगे। इसमें दो विषय आपको चयन करना है। दो विषय की बात करूँ, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतिहास और भूगोल, ये दोनों आपके लिए कॉमन होंगे। इसके साथ साथ आप यहां पर अर्थशास्त्र ले सकते हैं, आप यहां पर अर्थशास्त्र ले सकते हैं, या आपने लिया होगा प्रश्नपत्र में चयन कर लिया होगा, या राजनीति लिया होगा आपने, राजनीति शास्त्र। अब आप चाहें तो इतिहास को भूगोल साथ ले सकते हैं, या इतिहास को अर्थशास्त्र साथ ले सकते हैं, या इतिहास को आप राजनीति शास्त्र के साथ ले सकते हैं, या भूगोल को राजनीति शास्त्र के साथ ले सकते हैं, या भूगोल को आप इतिहास ले सकते हैं, या भूगोल के साथ आप अर्थशास्त्र ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर केवल दो विषय को चयन करना, लेकिन ऊपर जो है इतिहास भूगोल ये सबके लिए कॉमन है। मैंने जो आपका पेपर सेट होगा उसमें 4 सेक्शन होंगे SST के लिए, आपको दो ही चयन करना होगा। पेपर में जो दो खंड है उन्हीं को सॉल्व करना होगा, चाहे इतिहास साथ भूगोल ले लें, चाहे इतिहास साथ अर्थशास्त्र सॉल्व करें, चाहे इतिहास साथ राजनीति साथ सॉल्व करें, या भूगोल साथ इतिहास, भूगोल साथ अर्थशास्त्र, भूगोल साथ राजनीति शास्त्र। मतलब आपको केवल दो खंड हल करने हैं, यहाँ से आपके 80 अंक के सवाल आएंगे, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। यही सेम प्रक्रिया आपके 9-10 के लिए SST के लिए, अगर आप 9-10 के SST के लिए हैं तो वहां पर भी ध्यान रहे, पहला भाग जो होगा भाषा का होगा, दूसरा जो भाग होगा मैथ रीजनिंग GS GK रीजनिंग का होगा, ये 40 अंक, 80 अंक जो होगा SST का, वहां पर भी इतिहास भूगोल में से आपका केवल एक आपको इसमें से जरूर लेना है इतिहास भूगोल। आप दोनों भी ले सकते हैं कि इतिहास भूगोल भी साथ ले सकते हैं, आपके ऊपर है, इतिहास साथ अर्थशास्त्र, इतिहास साथ राजनीति साथ ले सकते हैं, या भूगोल साथ राजनीति साथ, या भूगोल साथ अर्थशास्त्र, भूगोल साथ इतिहास, जो भी आप ले। अब कुछ लोग कहना, सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था तो क्या अभी मैं ले सकता हूं? जी हाँ, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था या नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस सब्जेक्ट को लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके नोट्स थे जो लास्ट समय रिवीजन नोट्स थे, अगर हो सकता है आपने लिया हो इन दो विषयों को जो BPSC के पैटर्न के आधार पर तैयार किए गए थे, अगर आपको जरूरत हो तो वो आप ले सकते हैं। उसके लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। वैसे आपके काम का रिवीजन नोट्स है और ये केवल केवल SST के लिए, और ठीक। अगर हम गणित विज्ञान की बात करें तो 6 से लेकर 8 तक गणित विज्ञान सभी के लिए कॉमन, जो भी गणित विज्ञान के लिए जा रहे हैं उसमें अगर 80 प्रश्नों में गणित और विज्ञान के प्रश्न आएंगे, 80 प्रश्न में 40-40 भी कर सकते हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि आप यहाँ पर
क्योंकि विज्ञान आपके काम का, अगर आप फोन पे सुन रहे हैं तो ध्यान देखिए कि साइंस मैथ आपके काम का है। तो साइंस मैथ में क्या होगा, या साइंस मैथ दोनों आ सकते हैं 80 नंबर में, या केवल ऐसा नहीं है कि 40 मैथ 40 साइंस, हो सकता है कुछ 42 हो 29 हो, तो वो रेशियो बीपीएससी अपने हिसाब से सेट करेगा। लेकिन माना जा रहा है कि 80 नंबर में गणित विज्ञान वालों के लिए आधा गणित आधा विज्ञान से सवाल आएंगे, चाहे वो जियोलॉजी बैटनी के हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के हो, जो भी उनका स्ट्रीम रहा। अब यहाँ उनके स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, उनका जिस स्ट्रीम से रहा उस स्ट्रीम में आपको परीक्षा देनी है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट का जो लोचा था वो क्लियर हो गया। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको ज्यादा समय जो है भाषा मत गवाइएगा, पेपर को तेजी से हल करिए, क्योंकि आपके पास जो पेपर को सॉल्व करने का समय है 150 मिनट का होगा। कितने मिनट का होगा, 150 मिनट का। इस 150 मिनट में आपको ध्यान रखना है कि हर एक मिनट कीमती है। अंतिम समय बचेगा आपको सारे प्रश्न करने, मतलब तुक्का भी मार देना जरूरी है। अगर जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा उसे छोड़ देना तो मूर्खतापूर्ण हो जाएगा। अगर 150 प्रश्न है, या यूं मान लेते हैं स्कोरिंग सब्जेक्ट अगर 120 है, अगर किसी को 90 प्रश्न का जवाब आ रहा है, 30 का नहीं आ रहा है, तो छोड़ कर आना मूर्खतापूर्ण हो जाएगा ना, उस 30 प्रश्न को ही सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा विकल्प आपको लग रहा है ज्यादा सही है। अगर आपने पढ़ा कि ये कह दे कोई सी विकल्प मार के, ये बी मारा ए मारा, तो ये भी पूरी तरह से ये नहीं कह सकता सही। आपने पढ़ा है, सेशन पढ़ा होगा, नोट्स वगैरह आपने पढ़ा होगा, रिविजन किया होगा, तो अब आप उसका परिणाम देने की बारी आ गई। डरेगा मत, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पर डर हावी हो जाता है। ओएमआर सीट भरते समय पूरी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रायः क्या होता है कि ओएमआर सीट भरने में लोग गलती कर जाते हैं। और ओएमआर सीट जब भर रहे हैं, चाहे आप भाषा का चयन कर रहे हो, चाहे आप विषय का चयन कर रहे हो, चाहे रोल नंबर भर रहे हो, ध्यान दीजिएगा कि ओएमआर सीट भरने में 5 मिनट ज्यादा लग जाए चलेगा, 10 मिनट समय ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन ओएमआर सीट पूरी तरह सत्य और सही होनी चाहिए। मतलब सत्य मतलब सही भरा जाना चाहिए, नहीं तो बाद में परीक्षा में अच्छे मार्क करके आएंगे, अच्छा स्कोर करके आएंगे, और अंत में सिलेक्शन से आप वंचित रह जाएंगे। करने का आपने ओएमआर सीट गलत भरा है, इसलिए ओएमआर सीट को भरते समय कहीं भी कोई गलती मत करेगा। डेमो और सीट वेबसाइट पर अगर आपको वहां पर नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो के बाद जो ये वीडियो है इसके बाद आपको टेलीग्राम पर आप जुड़िएगा। टेलीग्राम पर आप सर्च करेगा दुर्गेश सर, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे लेने भी दुर्गेश आएगा, उसके माध्यम से आप जुड़िएगा। वहां पर आपको डेमो जो ओएमआर सीट है वो आपको मिल जाएगी, या बीपीएससी की वेबसाइट जो है वहां पर भी डेमो ओएमआर सीट पड़ी है, तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्राथमिक के लिए, पीआरटी के लिए भी सेम प्रक्रिया है। यहाँ पे देखिए 30 प्रश्न भाषा के आएंगे और 120 प्रश्न जो होंगे ईबीएस मैथ रीजनिंग, ईबीएस के होंगे, मैथ के मतलब जीएसजीके का होगा, रीजनिंग होगा, मैथ होगा, सामान्य अध्ययन होगा, विज्ञान होगा। तो ये आपके लिए पीआरटी के लिए 11-12 जो आपका सब्जेक्ट उस विषय से आएगा, 30 नंबर यहाँ से भाषा से होगा, 40 नंबर जो होगा जीएसजी के रीजनिंग मैथ होगा, इस और 80 नंबर यहाँ भी सब्जेक्ट्स होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो पूरी प्रक्रिया थी मैंने आपको बता दिया, कोई प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना, क्योंकि अगर आप प्रश्न छोड़कर आते हैं कहीं ना कहीं आप गलती करते हैं, इसलिए तुक्का मारना जरूरी है। मतलब जो प्रश्न आपको लगे नहीं इसका उत्तर सबसे करीब सबसे नजदीक वो जरूर करेगा। गणित और रीजनिंग में टाइम टेकन होता है, समय तोड़ता है, तो जो एसएसटी के अभ्यर्थी है जिनको लगता है गणित विज्ञान में जो या गणित का 40 अंक का है सेशन, उसको लास्ट में करने का प्रयास करिए, कि ये आपके लिए टाइम टेकन हो सकता है। तो उसके चक्कर में सकता है जो बहुत सारे सवाल आपने पढ़े हुए हैं एसएसटी के मैथ एसएसटी के, वो आपके गलत ना होने पर सबसे पहला फोकस यही करेगा। दूसरी बात, ये आपने पढ़ने के लिए तो चारों पढ़ लिया है, लेकिन परीक्षा में ध्यान दीजिएगा जो आपके प्रश्न पत्र पे आपने विषय सब्जेक्ट को चूज किया है वही सब्जेक्ट विषय आपको ओएमआर सीट में भरना है, और वही आपको बुकलेट में भी सॉल्व करना है। बुकलेट में भी चारों ये चारों आपको मिलेगा, लेकिन आपको वही जैसे मान लीजिए ये सेक्शन मान लीजिए सपोज दैट यहां पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये मान लीजिए ए है, ये आपका भूगोल आपका बी है, अर्थशास्त्र है, और राजनीति डी है। तो हो सकता है आपने ए और सी चूज किया हो, इतिहास और अर्थशास्त्र चूज किया हो, तो आप ए और सी वाला ही बुकलेट में जो खंड ए और सी होगा उसी को हल करेंगे। एक एग्जांपल के तौर मैंने आपको बताने का प्रयास किया। वैसे मान लीजिए जैसे ये यम हो गया, ये एन हो गया, ये ओ हो गया, और ये पी हो गया। तो यम एन ओ पी अगर है तो जो हो सकता है यम एन लिया हो, या यम पी लिया हो, या एन ओ लिया हो, जो भी आपने से लिया हो उसको ही आपको सॉल्व करना है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, आपको इस पर विशेष सतर्कता भी बरतनी है, कहीं गलती ना हो। और अगर आप समझ में कमेंट करेगा मैं इस पर फिर अलग से सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक पर बना दूंगा, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संशय ना रह जाए। फिर भी कोई संशय रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि अंतिम समय है और आपको ध्यान रखना कि परीक्षा में क्या होता है, प्रेशर आप पे हावी रहता है, छोटी छोटी गलतियां आपको परीक्षा से अंतिम सेलेक्शन से बाहर कर देगी। एक बड़ा मौका, क्योंकि यहाँ पर बीडीएड और बीटीसी दोनों अभ्यर्थी सम्मिलित हैं, और दोनों के लिए बड़ा मौका अंतिम रूप से सिलेक्शन लेने का। हम चाहेंगे आप सिलेक्शन के पूरे करीब हैं और अंत में सिलेक्शन लेकर आएंगे। आपने इलोनी दुर्गेश नोट्स अगर आपने पढ़ ली पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ, यकीन मानिए परीक्षा में सवाल से बाहर नहीं आएंगे। अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस होता है
तो भी आपको प्रश्न नहीं छोड़ना है। मैंने आपको बताया है कि सारे प्रश्नों को आपको करना है, क्योंकि सभी प्रश्न अनिवार्य है। निगेटिव मार्किंग नहीं, ध्यान रहे, जहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं, नकारात्मक अंक जहां पर नहीं होना होता, वहां पर आपको सारे प्रश्नों को सही करना जरूरी है। गलत या सही करके हो सकता है जो आप लगाया वो सही हो जाए, जैसे 120 में से 90 सवाल आपको आ रहे, 30 नहीं आ रहे, तो हो सकता है कि 30 में से जो आपने टिक किए उसमें से कुछ वही सही हो जाए, 12 सही हो जाए, 15 सही हो, 10 सही हो, 8 सही हो, तो जो भी हो सकता है सही। इसलिए सारे प्रश्नों का अटेम्प्ट करना जरूरी है। अंतिम समय जब आपको लग जाए कि नहीं, अब आपका बुकलेट छीन लिया जाएगा, तो आप उसमें क्या करिएगा, प्रश्न न भी पढ़ने मिले तो OMR पे ही गोला कर दीजिएगा। OMR को ध्यान से भरिएगा, OMR सीट भरते समय किसी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए शुरू से लेकर अंत तक सिलेक्शन का एक आधार होगा। अपने ऊपर प्रेशर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं होती जाती रहती हैं, लेकिन अगर प्रेशर हावी हो जाएगा तो परीक्षा में आप बेहतर स्कोर करने से वंचित रह जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा जो BPSC की परीक्षा तैयारी कर रहे थे, जो BPSC की परीक्षा देने जा रहे थे। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल, कोई जो कुछ भी अगर हो, तो वीडियो सेशन में कमेंट करिएगा। अगर कोई व्यक्तिगत सवाल हो, ई-लर्निंग विद इंस्टाग्राम पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को जो भी आपने पढ़ा, जो आपने देखा, जो समझा, वो सारे टॉपिक क्लियर हो गए। फिलहाल अगर आपके मन में फिर भी अगर कोई सवाल अगर आपको लग रहा है कि होगा, तो भी आप पूछ सकते हैं। तो ये गुरु मंत्र है कि प्रश्न को छोड़ना नहीं, सारे प्रश्न करके आना है, क्योंकि यहीं से आपका सब्जेक्ट होगा। कुछ लोग भाषा भी मत छोड़ दीजिएगा कि भाषा अंत में करना, पता चला भाषा के प्रश्न ही आपसे गलत, क्योंकि आपको हर हाल में भाषा में 9 अंक लाने अनिवार्य है, 30% सही करने हैं। तो इसके अंक तो नहीं जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल भाषा पर आप ध्यान दीजिएगा, उस पर भी आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो भाषा सॉल्व करने के बाद सीधा गणित मैथ की तरफ बढ़िएगा, मैंने गणित रीजनिंग और जो GA GK और SST वाले पहले SST सॉल्व करने के बाद मैथ की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है उनको मैथ में अगर कठिनाई महसूस होगा, मैथ में टाइम टूटेगा, और लास्ट में जाकर उनको समझ में आएगा कि उन्होंने वो प्रश्न छोड़ दिए जो उनको आता था, क्योंकि यहाँ पे विषय को चूज करने में थोड़ा समस्या हो सकती है। लेकिन ध्यान से पेपर मिलने के बाद पहले आपको टिक कर लीजिएगा कौन कौन सा विषय आपने चयन किया है, उसको अपने उसमें मिला लीजिएगा एडमिट कार्ड से, ई एडमिट कार्ड से, उसके बाद उसको पेपर पर टिक कर लीजिएगा, वही सॉल्व करेगा। क्योंकि जो क्रम होगा सवालों का वही एक ही क्रम में होगा, इसलिए आपको सॉल्व करने में हो सकता है कठिनाइयों का सामना करना पड़े। दूसरी विशेष बड़ी बात यह है, क्योंकि देखिए इतिहास भूगोल जो होगा ये कॉमन होगा, जैसे 21 से शुरू, 31 शुरू है, तो ये 51 शुरू है, तो ये दोनों क्रम होगा, लेकिन इनका जो क्रम होगा अथवा करके होगा, क्योंकि ए बी ऑप्शनल है, ये दोनों भी ले सकते हैं या इन दोनों में ले सकते हैं। इसलिए अब ये देखना कि पेपर किस आधार पर बनकर आता है, किस हिसाब से BPSC ने पेपर को छापा है, वो तो पेपर होने के बाद ही पता चलेगा, पहले तो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन एक उम्मीद लगाई जा रही इस तरह से पेपर होगा। फिलहाल मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास किया, 150 मिनट है, 150 मिनट आपके हैं, इस 150 मिनट में ही आपको इतिहास रचना है, इस 150 मिनट में ही आपको सिलेक्शन लेना है। इस 150 मिनट को कैसे भुनाना है यह अच्छी तरह से जानते हैं। समय से पहले पूछेगा कि 3 घंटे पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने हैं, परीक्षा केंद्र पे एडमिट कार्ड पे आपको सेंटर कोड दिया है, सेंटर की लिस्ट जो है टेलीग्राम पर आते ही आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप टेलीग्राम से उसको अपने सेंटर कोड मिलाकर अपने परीक्षा सेंटर पे समय से पहुंचिएगा। 3 घंटे पहले सतर्क रहिएगा, अगर अदर राज्य से अभ्यर्थी हैं तो वहां पर जाइएगा, थोड़ा समझदारी से रहिएगा, अपने सामान, अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करिएगा, अपने परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, कोशिश करिएगा वहां के पब्लिक के साथ जुड़ने के साथ साथ वहां के नजदीकी जो थाना है या नजदीकी जो जो भी आपको सुविधाएं जहाँ से मिल पाए उनसे भी कनेक्ट में रहने का प्रयास करें, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से सभी को कहना गलत है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं पिछली बार एक बरेली के अभ्यर्थी थे उनके साथ वहाँ पे कहीं एक स्कैम हो गया था, तो स्कैम से भी बचना है आपको और अपने ऊपर भरोसा रखना है और सभी चीज़ों, क्योंकि आप एक अध्यापक हैं और शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक की गरिमा पूरे और शिक्षक को अपने आप में सजोए रखेंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं सबके साथ है, आप बेस्ट और बेहतर देते रहिएगा, अपनी सुरक्षा स्वयं करिएगा, अपने ऊपर कोई भी टेंशन हावी मत होने दीजिएगा, अपने ऊपर परीक्षा का प्रेशर हावी मत होने दीजिए, अंत में सिलेक्शन आपका होगा। रेस के घोड़े में सा रेस में अच्छा लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस के घोड़े हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।